गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे थे अब तक हम प्रश्नावली 9.4 पूरी कर चुके थे। आज हम प्रश्नावली 9.5 के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली 9.5 में बताया गया है उचित सर्व समीका की सहायता से गुणनफल ज्ञात करो। तो सबसे पहले हमें मालूम करना चाहिए कि सर्व समीका क्या होती है। देखिए, सर्व समीका एक नई चीज नहीं है हमारे लिए। ये दो चीजें होती हैं, एक सर्व समीका होती है, एक होती है समीकरण। अब सर्व समीका और समीकरण में अंतर क्या होता है? सर्व समीका का अर्थ होता है एक ही मान से, यानी समीकरण में केवल एक मान संतुष्ट करता है। जैसे x प्लस 3 बराबर 7, तो x बराबर 4 ही इसको संतुष्ट करता है कि 4 प्लस 3 7 के बराबर 7 होंगे। एक रखेंगे तो 1 प्लस 3 7 के बराबर नहीं हो सकता है। अर्थात क्या कहते हैं कि x का केवल एक मान ही समीकरण को संतुष्ट करेगा। परंतु सर्व समीका का अर्थ होता है कि सभी मानों के लिए संतुष्ट, हम चाहे कुछ भी रखें। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, x कोष्टक a प्लस बी प्लस सी, या इतना सा ही ले लेते हैं, बराबर ax प्लस bx। इसमें हम x, a और b तीनों का मान, x का, a का और b का मान कुछ भी रखें, हर बार आपस में क्या आएगा, ये बराबर होगा। यही सर्व समीका कहलाती है। वैसे तो सर्व समीका बहुत है, लेकिन हमारे जो कोर्स में इस समय जो प्रश्नावली में काम आएंगी वो मात्र 4 सर्व समीकाएं काम आएंगी। इन 4 सर्व समीकाओं के बारे में आप अच्छी तरह देखें, जिसमें पहली सर्व समीका है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड सवाल कहता है, जब दोनों में यहाँ प्लस का चिन्ह आ गई, अगले सर्व समीका में दोनों का माइनस का चिन्ह आ गया, अर्थात a माइनस बी और a माइनस बी बराबर हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी बराबर में ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अभी आपको स्पष्ट करेंगे कैसे आएंगे a माइनस बी और a प्लस बी। यहां पर क्या हुआ, एक प्लस का चिन्ह आ गया, एक माइनस का, तो क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फोर्थ सर्व समीका कहलाती है x प्लस ए एक्स प्लस बी इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये इस प्रकार से 4 सर्व समीकाएं हमारे पास काम आएंगी, जिसमें से मैं आपको पहली सर्व समीका आपको हल करके दिखाता हूं, जिसमें समझाया गया a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। जैसा कि आपने द्विपदों का गुणनफल पढ़ा, जिसके अंतर्गत a को a प्लस बी से गुणा करेंगे, प्लस में b, b को भी a प्लस बी से गुणा करेंगे, क्या होगा, a को ऐसे करेंगे a स्क्वायर प्लस ए बी, बी को ऐसे किया ए बी प्लस बी स्क्वायर। हम देखते हैं यहाँ पर ए बी और ए बी मिलकर क्या बन गया, 2ab, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही हमारी सर्व समीका थी। अगर बात करते हैं सेकंड सर्व समीका की, तो यहाँ पर क्या अंतर हो गया, केवल मात्र चिन्ह बदल गया, यानी ये माइनस हो गया। तो आप देखिए, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी ये माइनस हो गया और यहाँ भी माइनस हो गया। अब देखिए, ए को ए स्क्वायर, ए को बी से गुणा करेंगे, माइनस का ए बी, ये भी माइनस का ए बी, लेकिन ये माइनस को जब माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का, और वही माइनस का ए बी और माइनस का ए बी बनकर क्या बन जाएगा, 2ab। थर्ड सर्व समीका की बात करते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी, यानी कहने का मतलब हुआ एक बार प्लस का चिन्ह आ गया, एक बार माइनस का आ गया, a के साथ में a प्लस बी। यहां भी आप देखिए, ए स्क्वायर प्लस का ए बी, माइनस का बी से माइनस ए बी, और ये माइनस का बी स्क्वायर। अब क्या देखते हैं, एक ए बी और एक ए बी, एक प्लस का एक माइनस का, दोनों कट जाएंगे, यानी ये तो कट गए, क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
इस प्रकार से ये सारे सरसमिकाएं हमारे यहां पर काम आएंगी। अब हम इस सरसमिका के संबंध में जो सवाल होते हैं उन सवालों को लेते हैं। जैसा कि आप देखते हैं, हम एक पहला सवाल लेते हैं आप लोगों के लिए, बड़ा सिंपल सा सवाल है। देखिए, एक्स प्लस तीन एक्स प्लस तीन, यहां पर इसको कहते हैं उचित सरसमिका की सहायता से। इसको हम कह सकते हैं x प्लस तीन का होल स्क्वायर। अब गौर से हम देखते हैं कि यहां पर सरसमिका कौन सी लगी, क्या गौर करिए। अभी आपको हमने आपको सरसमिका बताई थी, सरसमिका a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर आपको बताया ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्यों, दोनों संख्याएं अलग अलग, बीच में किसका चिन्ह, प्लस का। इसी सरसमिका पर आधारित हम करेंगे। हम देख रहे हैं कि हमारे यहां पर a का मान कितना है x, b का मान कितना तीन, यही हमें करना है। a की जगह x का स्क्वायर दो कोष्टक a x कोष्टक b, b का मतलब तीन, प्लस तीन का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, यही हमारा आंसर प्राप्त हो गया। और सेकंड सवाल देखिए, सेकंड सवाल कहता है 2x प्लस 5 इंटू 2x प्लस 5 बराबर में क्या लिखेंगे, वही तरीका 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर, यही हुआ। अब देखते हैं आगे 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब आप गौर से देखिए कि आप कौन सी सरसमिकाएं काम में आ रही है। यहां पर भी वही वाली सरसमिका काम आई जो पहले सवाल में का आई थी। हम लिखेंगे सरसमिका क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहां पर a का जो मान है वो 2x, b का मान 5, इस तरीके से। अब इसका दूसरा तरीका भी हम कर सकते हैं, सिंपल सा तरीका बताता हूं आपको, पहली संख्या का स्क्वायर। ये देखिए एक तरीका होता है, ये पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दो, दो ब्रैकेट लगाएंगे प्लस एक ब्रैकेट का और स्क्वायर, एक तरीका होता है। पहली संख्या का मतलब होता है 2x का स्क्वायर करेंगे, पहले ब्रैकेट में पहली संख्या, दूसरे ब्रैकेट में दूसरी और ये दूसरी, बस। अब देखिए हमें पता है कि ये दोनों का स्क्वायर हुआ, दो का स्क्वायर 4, कितना हुआ 4x स्क्वायर प्लस 5 दुनी 10, 10 दुनी 20, कितना हुआ बताइए 20x प्लस 25, यही हमारा आंसर आ गया। आप चाहें तो एक छोटा सा काम कर सकते हैं, आंसर की जांच स्वयं कर सकते हैं। हमेशा पहली संख्या का स्क्वायर पहली जगह, दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का स्क्वायर, दोनों को गुणा कर उसका दुगुना कर देना। ये जांच करने का तरीका है, 2 दुनी 4 50 25, 5 दुनी 10, 10 दुनी 20, इस प्रकार से हमारा ये सेकंड सवाल हो गया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप देख भी सकते हैं अच्छी तरह। थर्ड सवाल लेते हैं हम, देखिए थर्ड सवाल है 2x 2a माइनस 7 2a माइनस 7 इंटू 2a माइनस 7 बराबर हुआ 2a माइनस 7 का स्क्वायर। यहां कौन सी सरसमिका लग रही है, दूसरी नंबर की सरसमिका लग रही है, यानी माइनस में आ गया। कुछ नहीं करना, मैंने आपको बताया पहली संख्या का स्क्वायर यानी 2a का स्क्वायर,
बराबर यानी माइनस का दो, दो ब्रैकेट प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर। यहां प्लस माइनस से मतलब नहीं होगा, संख्या सात का स्क्वायर, क्योंकि माइनस हमने यहां लगा दिया, पहले ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट। अब हल करेंगे, दो दुनी चार, चार ए स्क्वायर माइनस, गुणा करिए, दो दुनी चार, चार को सात से गुणा करते हैं, अट्ठाईस ए प्लस सातू सातू उनचास, यही हमारा आंसर आ गया। सिंपल सा सवाल है, आपके सामने हमने तीन सवाल करा चुके हैं, अच्छी तरह देखिए, फिर आपको एक बार समझा देता हूं मैं कि 2a माइनस सात, 2a माइनस सात होल स्क्वायर बन गया। उसके पश्चात सर्व समीका देखेंगे कौन सा, दो संख्याओं के बीच में माइनस का चिन्ह थी, इसलिए हम सर्व समीका नंबर तीन का इस्तेमाल करेंगे, 2a स्क्वायर माइनस दो कोष्टक 2a इंटू सात प्लस सात का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर। 2a का मतलब हुआ दो दुनी चार ए स्क्वायर, सात दुनी चौदह, चौदह दुनी अट्ठाईस, सात का वर्ग कितना होता है उनचास। इस प्रकार से शेष अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, धन्यवाद।